all about humanity. हेलो जिम्मी, तुम्हें आवाज आ रही है? जी जी पापा आ रही है। जी जी बोले, हुकुम करें। वो दरअसल मेरी एक शिपमेंट आ गई है, वो मैं तुम्हें लोकेशन एड्रेस जो है उसका पूरा मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। तुम शफ़त चिंगारी के साथ जाओ, जो मेरी शिपमेंट है एक ट्रेलर के अंदर है, तो वो ट्रेलर को शफ़त चिंगारी ड्राइव कर लेगा, तो उसके साथ तुम जाकर ले आओ, सही है? और तुम्हें मैं आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हें ये काम सारे करने, जल्द से जल्द जाओ और शिपमेंट को शोरूम तक लेके आओ जल्दी से। जी जी पापा, जी 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 जी, ला रहा हूँ, बस पाँच मिनट में बस निकलता हूँ, फिर मैं क्या जल्दी से जल्द ला रहा हूँ। चल चिंगारी, आ जा भाई, आ जा आ जा। ए क्या हुआ भाई? अबे वो शिपमेंट आ गई अप्पा की भाई, वो कह रहा आधे घंटे में लाओ, ये लाओ वो लाओ, जल्दी से जल्दी ला के देनी है। अबे भाई मेरे तो हाथ कांप रहे भाई, अप्पा ने भाई सारा काम दे दिया। ओ भाई शिपमेंट लेके आनी है, इतना भारी काम है, पत्नी कौन सी कार मंगवाई है बताया भी नहीं, कौन सी कारों की शिपमेंट है। चफका चिंगारी, तू ट्रक तो ड्राइव कर लेगा ना? हाँ ट्रक तो मैं चला लूंगी, वो तो मेरे लिए बहुत ही सी है। और चाणक का है? अबे वो अप्पा ने ना मुझे अभी मैसेज में एड्रेस सेंड करा, वो मैं बस चेक कर रहा हूँ, वही बस लेके जा रहा हूँ। बस पति कौन सी जगह पर है जहाँ शिपमेंट वगैरह आती है ना, वहाँ पर है वो शायद, जहाँ पे ऑडी वगैरह उन्होंने मंगवाई थी ना, वहीं पर ही कोई ट्रेलर वगैरह खड़ा हुआ है इनका, अप्पा का पत्नी ने उन्होंने कब लिया भाई ट्रेलर। आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते भाई माइकल भाई के बिजनेस में, ऐसे थोड़ी होगा, अब इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो तुम। अबे तू छोड़ यार इन बातों को यार, बस शिपमेंट उठानी है जल्दी से जल्दी। हाँ यार वो सही कह रहा, मैं बिजनेस में ना इंटरेस्ट लूंगा, फिर अप्पा का ना हाथ बढ़ाऊंगा मैं भी। यार सही बोल रहा है तू, ऐसे थोड़ी होते, आपको भी यार जरा थोड़ा आँखें थोड़ी खोलनी पड़ेंगी अपनी। अबे हाँ ना खोलूंगा आँखें अपनी। पत्नी यार कौन सी शिपमेंट है, कौन सी कारें मंगवाई है, अपन ने तो कुछ बताया नहीं, मैं तो कोई रेडी नहीं था, वो तो अच्छा हुआ मैं यहीं था, बार बार होता तो फिर क्या होता। शुक्र मैं भी घर में था, तू भी घर में था, तुझे कहाँ ढूंढता मैं, ट्रक तो मुझे चलाना आता ही नहीं है। हाँ ये सब किस्मत की बात है, ये तो माखिल भाई की गलत बात है, इन्होंने एकदम से आपको मतलब घोड़े पे सवार होकर कॉल कर दी। हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। चल यार अब चलते हैं यार, मैं तो हाथ कहाँ पर, जल्दी जल्दी जाने यार। ठोक क्यों रहे हो? अबे कुछ नहीं, बस जल्द से जल्द यार शिपमेंट पहुँचानी है यार। पत्नी यार कौन सी शिपमेंट है, मुझे एक्साइटिंग भी हो रही है, डर भी लग रहा है यार कि अप्पा को मैं टाइम पे पहुँचानी है, तो बहुत डांटेंगे यार, बहुत खिंचाई करेंगे वो। अबे हाँ 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 बस आने वाली है जगह, बस आने वाली है, बस ये 5 मिनट का रास्ता है मुश्किल से। हाँ सही है, आपको कुछ आइडिया है कौन सी गाड़ी की शिपमेंट है? अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, वैसे हो सकता है बड़ी गाड़ी मंगवाए भाई अप्पा, बड़ी गाड़ियों की शिपमेंट है शोरूम की भाई, पहली शिपमेंट है, कुछ तो बड़ा ही होगा, अच्छा ही होगा, लोकल थोड़ी मंगवाएंगे। अबे तुम ठोको नहीं बार बार। अबे वो कार में ठुकते ठुकते रहेगी, टायर लगाए शुगर। अबे आराम से चलाओ, तभी नहीं डरो भाई। अबे हाँ ना सही है, चल अब चलते हैं यार जल्दी से। आ गया रास्ता, यहाँ ऊपर से लेकर नीचे उतरना है। हाँ यही है रास्ता, सही बोल रहे हो, यहीं से एंटर होते। हाँ अबे शफ़त चिंगारी, पहली शिपमेंट है यार, तो कुछ बड़ी गाड़ी मंगाई होगी। हाँ हाँ बहुत बड़ी हो सकी, मर्सिडीज वगैरह इस तरह की कोई कार की कोई शिपमेंट है। हाँ हाँ सही कह रहा है यार, कोई बड़ी कंपनी की गाड़ी होगी भाई, बड़ी ब्रांड की कोई होगी, कोई छोटी मोटी तो नहीं मंगाई होगी अपा ने भाई, शिपमेंट है भाई। अगर पाकिस्तान डिलक्स मोटर स्पोर्ट, पापा ने इसका नाम रखा है शोरूम का, प्रीमियम डिलक्स मोटर स्पोर्ट था ना, PDM पापा ने कर दिया पाकिस्तान डिलक्स मोटर स्पोर्ट। माइकल भाई की शिपमेंट है ना? अबे हाँ हाँ ये एड्रेस उन्होंने दिया था, लाल कलर का उनका ट्रेलर है। अबे ये क्या फेंक किया, नाक कटा दी रश्का चिंची, अबे ये कोई तरीका होता मैं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हर कोई बोलेगा कौन सी शिपमेंट मंगवाई तेरे बाप ने, चिंची रश्के की शोरूम नहीं है क्या ये? अबे यार ये अप्पा क्या कर रहा है यार, फेंक किया। चल भाई अब लेके चलते जल्दी से, फिर पूछूंगा अप्पा से क्या करा है उन्होंने भंड ये। अबे हाँ अभी गिरा गिरो भाई, अबे गिरा दिया मुझे मोटे देर से बाइक ही, समझ ली क्या? अबे समझ ली, तू सही से बैठ, बाइक को भी अंदर ही खड़ा कर देता हूँ, फिर ट्रेलर में बैठ के चलेंगे। हाँ सही है, अबे लग गई यार टैंक पे। अबे छोड़ तू इस बात को यार, मेरा तो दिमाग शट हो गया।
अबे हाँ ये लगा लूँ बाइक को, है ना? सही है ना? हाँ यही लगा दो। चलो ये तो बंद हो जाएगा। अबे तू तो नीचे उतर चिंगारी। हाँ उतरो इसको तो देखो कैसे बंद हो रहे ऑटोमेटिक। भाई महंगा ट्रेलर लिया है भाई माइकल भाई ने तो। अबे हाँ महंगा लिया है काफी, पता नहीं कब लिया उन्होंने, किराए पे क्या चक्कर है? मेरे ख्याल से इनका अपना ही अप्पा का ये ट्रेलर जो है। हाँ अपना ही होगा भाई, अब तो शिपमेंट आती रहेंगी। लेकिन ये चिंची और रश्क ये समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ तो कहानी में ट्विस्ट है। अबे हाँ लग तो मुझे भी ट्विस्ट रहा है, चल आ जा बैठते हैं यार। हाँ चलो बैठते। और जिस तरह मैं ट्रक चला रहा हूँ ना, तुम भी देखना मैं किस तरह ड्राइव कर रहा हूँ, सही है ना? रोड की जजमेंट करना तुम भी। अबे हाँ मैं भी जजमेंट कर लूँगा, रोड की सीख लूँगा, जब तो तेरे साथ चल रहा हूँ मैं, तुम्हें तो 1-2-5 फैकल्टी हो जाता। हाँ सही है, गौर से देखो मैं कैसे चला रहा हूँ। वैसे यार मैं थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ ट्रक चलाने, काफ़ी टाइम हुई है। अबे और ठोक वोक नहीं दो, नहीं तो अपा जान ले लेगा, यकीन से जान ले लेगा भाई। अबे नहीं ठोकूंगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से चलाऊंगा यार, एक दो दफा चलाऊंगा ना बस, खुद ही हादसा हो जाएगा दोबारा। हाँ हाँ सही है भाई। यार चिंची और रश का यार इतने बड़ा इतना बड़ा शोरूम है यार अपा, और उन्होंने चिंची और रश का मंगवा लिया, क्या चक्कर है यार इसके पीछे? यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, इनसे जाके ही पूछना पड़ेगा। अबे हाँ जाते ही पूछेंगे, ये सीन क्या है चिंची और रश्का मंगवा लिए? हम तो समझ रहे थे BMW मर्सिडीज फरारी पता नहीं क्या मंगवाएंगे, कौन सी शिपमेंट, यहाँ तो इन्होंने साजगार का रश्का और हाई स्पीड की चिंची मंगवा ली। अबे हाँ ना वही तो मैं कह रहा हूँ। अब भाई निकाल। अबे इतनी देर क्यों लगा रही है? पता पर्ची कटवा रहे शायद। अरे ये तो क्या, मैं तो भाई कोई पर्ची नहीं दे रहा, मैं तो निकल रहा हूँ डायरेक्ट। भाई लेट हो रहे भाई, माइकल भाई ने टाइम दिया। अबे हाँ टाइम दिया यार, आधे घंटे का उन्होंने टाइम दिया, बोला आधे घंटे में ना शोरूम पहुँचा। अबे आधे घंटे तो बहुत कम दिया है, ट्रक है यार ट्रक, कोई मजाक थोड़ी, ठुक ठुक आ गया तो कौन जवाब दे होगा, और बोलेंगे तुम जल्दी जल्दी में ठोक दिया तुम लोगों ने ट्रक, छोड़ अप्पा को तो यार आराम से चलाइयो। अरे मनते हुए जाएंगे, मजा आ रहा है यार ट्रक चलाने में तो। अबे तू ट्रक चलाना भूल गया यार, तू नहीं कर सकता ये हरकत। नहीं नहीं याद आ गया मुझे किस तरह चलता है ट्रक, देखो नागिन की तरह लहराते कुछ का कुछ हो गया, कौन जवाब देगा? अच्छा भाई सही है ऐसे चला ऐसे चला। हाँ इंसान के बच्चों की तरह चला। अच्छा भाई हाँ सही चला रहा है। हाँ वैसे तू सही कह रहा है, मैं भी चलाऊंगा यार कभी आ रही। हाँ तुम भी चलाओ, इससे तुम्हारा हाथ काफी सेट होगा, फिर तुम्हें ना जब एक दस बार ट्रक चला लोगे ना तो कार चलाने तुम्हें बहुत आसान लगेगा। ए, ऐसी बात है, चल फिर मैं भी चलाऊंगा थोड़ा बहुत, और हाथ पक्का हो जाए मेरा फिर। हाँ सही है। मैं यार वैसे चिंगारी यार क्या चक्कर है यार चिंची और रश्का, यार लोग बोलेंगे यार इतना बड़ा शोरूम और चिंची और रश्का की शिपमेंट। अबे अभी दिमाग पे इतना जोर नहीं दो, माइकल भाई से पूछेंगे क्या चक्कर है क्या सीन है, वो ही बताएंगे। माइकल भाई की पागल नहीं है, बिजनेस माइंडेड है, तुम तो चे हो बिल्कुल, लेकिन उनमें बहुत अकल है, उनका पूरा बिजनेस माइंड है भाई, वो जानती क्या करना क्या नहीं करना। अबे हाँ बोल तो तू सही रहा, आपा होशियार बहुत है, सोच समझ के एक बात को ना 10 बार सोचता है आपा। अरे भाई वही तो कह रहा हूँ, पूछते भाई क्या मकसद है चिंची रश्का मंगवाने का। अबे हाँ पहले तो उन्हें शोरूम में सजा। हाँ सजा दूँ। अबे यार ये काम बहुत टफ है यार, पहले तो तुम्हारी 1-2-5 को साइड करूँ मैं, सोने की 1-2-5 आगे पीछे ना हो जाए। हाँ भाई 1-2-5 को ले जा मेरी, वहाँ लगा दे सामने अप्पा की गाड़ी खड़ी है ना वहीं ले जा। हाँ वहीं लेके जा रहा हूँ, तुम भी बैठ जाओ एक काम करो। हाँ बैठ ही रहा हूँ मैं भी। तुम्हें टिकाने का बहुत शौक है हर जगह अपनी। चुप हो। चलो भाई ये तो हो गया, इसको कर लेते हैं ब्लॉक, ऐसा ना हो कोई ले जाए। अबे यार एक रश्का एक चिंची उतारनी पड़ेगी। हेलो पहले ये अबे कहाँ जा रहे पागल,
रही है, पहले नीचे वाले उतारना। अबे यार वो बेसी चढ़ेगा देखने। अरे अजीब पागल है तू। अबे जिम्मी भाई चुप हो यार तुम, मुझे को मेरे काम करने दो। अच्छा भाई तू कर अपना काम, पीछे हट जाओ तुम, रक्षे के नीचे आ जाओगी नहीं तो। अबे हाँ ना, तू बस निकाल रश्का। चलो भाई तुम यही रुको, बार बार नहीं बिठाऊंगा तुम्हें, मैं भारी हो जाएगा रश्का। अच्छा भाई चलो भाई, इसको शोरूम में सजाऊं। वाह इसको ये ना यहाँ लगाता हूँ। अब लाल वाली चिंची लगाऊंगा या पीली वाली चिंची, देखता हूँ क्या जो हाथ में पहले आएगा भाई वो लगा दूंगा। जान छुटानी यार, बहुत मेहनत का काम है यार ये। लेकिन माइकल भाई जो बात है, सैलरी भी बढ़ाएंगे, हो सकता है मेरी फिर जब मुझसे इतने काम लेंगे तो। चलो भाई अब मैं सारे रश्के वगैरह चिंचियाँ उतार के फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, फाइनली भाई सारे जो है ना चिंची और रश्के मैंने उतार के सजा दिए। ये सेटिंग देखो सही करी है मैंने, आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले जो है ना ट्रालर जो है ये, इसको लगा दूँ मैं साइड में। जिम्मी भाई बैठो। अबे हाँ हाँ आ रहा हूँ। इसको है ना मैं अंदर लगा दूँ, कोई ठोक वोक ना दे गई। माइकल भाई मुझे ही बोलेंगे भाई पराई चीज। हाँ हाँ सही बोल रहे, यहाँ लगा दो ना जिम्मी भाई। हाँ हाँ यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, सही है सही, फिलहाल ये लगा दे। ये तो शायद उसी जगह पे वापस पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि शिपमेंट वगैरह आएंगी ना अब तो मेरे ख्याल शोरूम में खड़ा नहीं होगा ये। चलो वो तो देख लेंगे, फिलहाल तो मैं खड़ा कर दूँ। 1-2 ला के ना तुम्हारी। हाँ हाँ ला के, सही सही। अब चल यार पापा को बताते यार कि शिपमेंट वगैरह आ गई है। हाँ हाँ माइकल भाई को बताते। हाँ भाई पीछे चलो भाई, अब चलते हैं यार पापा को बताते। अबे चिंगारी कहाँ गया, एक सेकेंड। अबे ये पीछे नहीं आएगा मेरे, मैं कहाँ चले गया। चिंगारी शफ़ात, चिंगारी कहाँ है तू, शफ़ात चिंगारी। अबे हाँ हाँ, अबे कुत्ता आ रहा था उसको भगाया मैंने, नहीं तो अंदर अंदर घुस जाता ना। मैं कभी बोलती क्या है भाई, इसको भगाओ। हाँ सही करा भाई, कुत्ते यहाँ पे बड़े पागल घूमते भाई, काट वाट लेते। सही करा भगा रही है तूने। अस्सलाम वालेकुम पापा, क्या हाल है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और ये शिपमेंट वगैरह लिया है तुम। जी जी पापा लिया है, शिपमेंट वगैरह लिया है VIP। और पापा कुछ सवाल है आपसे करने। सवाल करने, खैरियत क्यों। एक सेकंड पहले शिपमेंट वगैरह मैं चेक करूँ। ट्रक किसने, शफ़ा चिंगारी ने चलाया था ना। जी जी मैंने चलाया था, वो जो चला रहे मैंने ही चलाया था। सही है सही है। चलो माशाल्लाह से हमारी शिपमेंट आ गई है, चिंची और रिक्शा। ओके सही है अच्छे इन्होंने सेट करें। पापा मेरी बात का जवाब दे, ये आपने चिंची और रश्का ही क्यों मंगवाया, इसकी क्या वजह है भाई। यार ये मैंने इसलिए मंगवाया, दरअसल मेरा जो शोरूम का नाम है ना जो मैंने रखा है वो है पाकिस्तान डिलक्स मोटर स्पोर्ट। तो मैं अपने जो शोरूम पर है ना, सुन रहे हो जिम्मी, शफ़का चिंगारी तुम भी गौर से सुनो। जी जी सुन रहे हो। जी जी हाँ पापा सुन रहे हो सुन रहे हो। तो ये शोरूम पर जो है ना, मैं कोई बड़ी बड़ी कंपनी या ब्रांड्स की मैं कार या व्हीकल नहीं रखूँगा, मैं हर पाकिस्तान में चलने वाली व्हीकल यहाँ लाऊँगा ताकि वो इस शहर में चले। अगर शॉर्टली मैं तुम्हें बताऊं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की चलने वाली हर व्हीकल जो है मैं दोस सेंटोस में चलाना चाहता हूं। तो पापा ये इस तरह की चिंची रिश्के आप अगर मंगवाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। हाँ हाँ लोग क्या सोचेंगे, अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे फिर। है? अबे पापा क्या कहे, मेरे तो सर से गुजर गई। ए माइकल भाई अपनी तो दिमाग की दे दी, मेरे को सर से गुजर गई, क्या कह दिया आपने। छोड़ो तुम लोगों को समझ नहीं आएंगी वाली बातें। बहरहाल माइकल भाई एक रश्का मुझे भी दे दें ताकि मैं थोड़ा अपना रोजगार चला सकूँ। अगर तुम मेरे साथ ईमानदारी से मेरे साथ तुम काम करोगे तो तुम्हें मैं इतना पैसा दूंगा, इतनी तुम्हें फैसिलिटीज दूंगा कि तुम खुद बोलोगे कि भाई मैं कहाँ संभालूँ इतना पैसा। बस ईमानदारी से मेरे साथ काम करते रहो शफ़का चिंगारी, तुम्हें फिर बिल्कुल भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी कि ऑटो रिक्शा वगैरह चिंची वगैरह ये चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बात है। जी जी माइकल भाई मैं दिल लगा के आपके साथ काम करूँगा, आप जो बोलेंगे वो करूँगा, आप कहें तो बाथरूम ही साफ़ कर दूँगा, पर आपके साथ ही हमेशा काम करूँगा मैं। शाबाश शाबाश, लेकिन कोई ऐसा मैं बाथरूम वगैरह साफ़ नहीं करवाने वाला, बस यार ये थोड़े शीशे वगैरह जो है यहाँ के ये जो साफ़ कर देना, तुम समझ रहे हो ना थोड़ी मिट्टी वगैरह जम गई है,
अब शोरूम में गाड़ियाँ वगैरह शिपमेंट वगैरह आ गई है, तो थोड़ा ख्याल रखना आप सफाई वगैरह का। और जिमी तुम यहाँ पे घूमते रहो फ्लोर मैनेजर की तरह, भाई संभालो यहाँ पे, कोई कस्टमर वगैरह आए तो उसको डील वगैरह तुम्हें ही करना है, ठीक है ना? जी जी पापा, जी जी वो मैं कर लूँगा डील वगैरह, सही है। और चप्पा चिंगारी तुम भी अपने काम पे लग जाओ। जिमी तुम भी आज से मेरे साथ यहाँ पे टाइम दिया करोगे, सही है? कस्टमर वगैरह तुम डील करोगे, जी जी पापा, जी जी मैं करूँगा, जी जी मैं करूँगा। ठीक है? ठीक है, शाबाश।